हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब से अपने करियर को स्टार्ट करने वाली सिंगर शिरले सेठिया की। तो आजकल शिरले सेठिया को तो सब जानते ही हैं, वह बहुत पॉपुलर हैं और उन्होंने बॉलीवुड में एक गाना भी गाया जो कि डिस्को डिस्को फ्रॉम जेंटलमैन। तो आज उनकी बायोग्राफी एंड सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है इसमें। तो शिरले का जन्म 2 जुलाई 1995 को दामन भारत में हुआ था। वह एक इंडियन कीवी गायिका है और न्यूजीलैंड की कलाकार है। वह 2013 से सिंगिंग में सक्रिय है। वह ऑकलैंड में पढ़ी है। वह पहले एक रेडियो जॉकी हुआ करती थी, पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बेसिक सिंगिंग सीखी और अपने मोम डैड से कहा कि वह सिंगिंग डिग्री प्राप्त करना चाहती है, बट उनके मोम डैड ने उन्हें उस समय इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। फिर वह रेडियो तराना पे जॉब किया करती थी। एक बार वहाँ श्रेया घोषाल आई तो वह श्रेया घोषाल से मिली। उन्हें उनसे इंस्पिरेशन मिली सिंगर बनने की और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। उनके पास शुरू में इतना अच्छा कैमरा एंड लाइटनिंग नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ का स्लाइड शो बनाकर अपने सिंगिंग वीडियोस अपलोड कर दिए। शुरुआती दिनों में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, पर उन्होंने वीडियोस डालना जारी रखा। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने पजामा पहन रखा था। कुछ दिनों बाद टी सीरीज ने अपनी वीडियो में उनके कवर का मैशअप वीडियो बनाकर अपलोड किया और थंबनेल में शिरले का थंबनेल लगाकर शिरले सेठिया की पिक लगाकर विनर अनाउंस कर दिया। जब यह पिक शिरले ने देखी तो वह बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने बहुत से सॉन्ग गाए जो कि हिट होते गए और उन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करना जारी रखा। पर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक सॉन्ग गाया बारिश कवर फ्रॉम यारियां, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद उन्होंने आई सी फायर जो कि ईडी शेरान का है, मस्त मगन, कमलियां, गलियां, हैंगओवर, तू जरूरी, तू है कि नहीं और बहुत से गाने अपलोड किए जो कि पॉपुलर होते रहे। बट उन्होंने थोड़े दिनों बाद एक सॉन्ग अपलोड किया सनम रे फ्रॉम सनम रे। यह सनम रे का कवर था। यह सॉन्ग इतना वायरल हुआ कि शिरले की एड टीवी में भी आने लगी। उस सॉन्ग की प्रोमो एड्स टीवी में आने लगी थी। लोगों ने उनका एड्स देखा और यूट्यूब पे उन्हें सब्सक्राइब किया, उनकी वीडियोस देखी और लाइक किया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज उसी शिरले सेठिया के गाने पर 23 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज हैं। शिरले सेठिया ने अब तक 2016 में बिग गोल्डन वॉइस अवार्ड जीता है, बिग डिजिटल सेंसेशन का अवार्ड जीता है, आउटलुक सोशल मीडिया अवार्ड जीता है और OSM अवार्ड जीता है। उन सारे सॉन्ग्स को गाने के बाद उन्हें टी सीरीज की मिक्स टेप में एक गाने का ऑफर आया। उन्होंने राबता और तू जो मिला का मैशअप मिक्स टेप टी सीरीज की मिक्स टेप के लिए गाया, जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें उनके साथ जोबिन नोटियाल ने भी गाया है। उसके बाद उन्होंने मूवी द जेंटलमैन में बॉलीवुड में डिब्यूट किया। उनका सॉन्ग डिस्को डिस्को बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। शिरले सेठिया अब तक रफ्तार, अरमान मलिक और बहुत से सिंगर के साथ सॉन्ग्स गाए हैं और लाइव शो भी किया है। और वह रफ्तार, बादशाह, नेहा कक्कर, हार्दिक संधू, सचिन जिगर, जुबिन नौटियाल, दर्शन रावल, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज से मिल चुकी है एंड कोलैब कर चुकी है। उनके यूट्यूब पे इस समय 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। FB पर 3 मिलियन प्लस फॉलोअर हैं एंड इंस्टा पर भी 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो यह थी शिरले सेठिया की स्ट्रगल स्टोरी। इससे यह पता चलता है कि शिरले ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड मेहनत की है। बिना मेहनत के कुछ भी सक्सेस पाना पॉसिबल नहीं है। तो यही थी शिरले की
बायोग्राफी एंड सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शिरले के फैंस के साथ शेयर करें। अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की बायोग्राफी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर टैप करें। तो लास्ट में बाय।